टीम भावना मन में रखो, हम सबका ये नारा है। ढूंढो कारण करो निवारण, गुणवत्ता लक्ष्य हमारा है। नमस्कार साथियों, मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो फ्रेंड्स, आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे काइजन के बारे में, जिसने सारे वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे एक तहलका मचा रखा है और एक तरफा राज कर रखा है। हम कह सकते हैं कि जिस कंपनी ने भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी काइजन कॉन्सेप्ट का सहारा लिया है, वो आज सक्सेस की एक अलग ही ऊंचाइयों पर है। चमक रहा विश्व में उस ऑर्गेनाइजेशन का सितारा, काम किया जिसने लेकर काइजन का सहारा। हाँ जी दोस्तों, काइजन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यदि आप वो अपनाते हो तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं तो आप एक अलग ही बुलंदियों पे जाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही सक्सेस लेवल एक्सीड कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज अपने इस सेशन में हम जानेंगे कि काइजन क्या होता है और काइजन की हिस्ट्री क्या है, काइजन कब आया और इसको किसने इंट्रोड्यूस, एंड काइजन कैसे किया जाए, कैसे कर सकते हो आप काइजन, टाइप ऑफ वेस्ट क्या होते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस किस टाइप के वेस्ट होते हैं जिसपे हम काइजन कर सकें और उनको फाइंड आउट कैसे कर पाओगे आप। और आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे कि वर्क और मोशन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे, कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपका जो पर्सन है वर्क कर रहा है कि मोशन कर रहा है, क्या वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं और क्या नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में आपको बताऊंगा काइजन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं और काइजन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, यदि हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको इमीडिएट मिल जाया करे और आप हमारे किसी भी वैल्यूएबल वीडियो से वंचित ना रह जाएं। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि काइजन क्या होता है। व्हाट इज काइजन? तो फ्रेंड्स, काइजन इज ए जापानीज टर्म्स। काइजन एक जापानीज शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलके बना है, काई एंड जेन, काई एंड जेन, जिसमें से कि हमारे काई का मतलब होता है चेंज एंड जेन का मतलब होता है गुड, जिसका मतलब है चेंज फॉर बेटर या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार करते रहना या अच्छे के लिए बदलाव करना ही काइजन है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए थोड़ी पीछे चलते हैं और जानते हैं काइजन की हिस्ट्री के बारे में। तो ये जो काइजन जो कॉन्सेप्ट है, ये मसाकी इमाई जी ने पब्लिश किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1986 में, काइजन, काइजन नाम से बुक लिखी थी, जिसको जापान की कंपिटिटिव सक्सेस का राज माना जाता है। और ये जो बुक है, ये बहुत ही जल्दी ग्लोबली पब्लिश हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है काइजन, ये वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे एंड मैनेजमेंट लेवल पे, जापान में कॉरपोरेट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसलिए इनकी जो बुक है काइजन, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे 1986 में, और इनको काइजन का जनक माना जाता है। और जो काइजन कॉन्सेप्ट है, यदि हम बात करें कि इंडिया में कब आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 में काइजन कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया के कॉरपोरेट लेवल पे आया, होटल्स, कॉरपोरेट्स एंड हॉस्पिटल्स एंड फिर वेरियस बिजनेस सेक्टर में आ गया। मसाकी इमाई जी ने एक बहुत ही अच्छा कोट दिया है अपनी बुक में काइजन से रिलेटेड, काइजन इज एवरी डे इम्प्रूवमेंट, एवरी बॉडी इम्प्रूवमेंट एंड एवरी हेयर इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कोड है कि काइजन जो है रोज करना चाहिए, सबको करना चाहिए और सभी जगह करना चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि एक दिन करके छोड़ दिया या एक बंदे ने करी, एक बंदे ने नहीं करी, एक प्लेस पे हमने कर लिया और एक प्लेस पे नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अभी तक तो हमने जान लिया कि काइजन होता क्या है और काइजन की हिस्ट्री क्या रही है। अब फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि काइजन को हमें करना क्या है, कैसे करना है काइजन हमें।
तो चलिए देखते हैं कि काइजन कैसे करना है। तो काइजन करने के जो बेसिक जो ग्राउंड रूल बताए गए हैं, वो तीन बेसिक ग्राउंड रूल्स बताए गए हैं गेम्बा काइजन करने के, कि काइजन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है काइजन करने का, वो बताया गया है कि हाउसकीपिंग, मतलब 5 years, हमको काइजन सबसे पहले 5 years से स्टार्ट करना चाहिए। देन मुदा इलिमिनेशन, 8 type ऑफ मुदा। मुदा क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट का इलिमिनेशन हमें करना चाहिए और इस टाइप से हमें काइजन करने चाहिए। देन स्टैंडर्डाइजेशन, और स्टैंडर्ड में भी डिफाइन एज बेस्ट वे टू डू द जॉब। जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो बहुत ही अच्छे वे में डिफाइन होने चाहिए जॉब करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो काइजन की ये जर्नी है, एक नेवर एंडिंग जर्नी है, ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी काइजन किया कभी छोड़ दिया, एक दिन किया एक दिन छोड़ दिया, ये नेवर एंडिंग जर्नी है। तो आपको डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए और सबको डेली काइजन करना चाहिए, और आपको इंश्योर करना चाहिए कि जो काइजन है वो हमारी प्रोसेस में डेली रूटीन एक्टिविटीज में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नो द वर्क प्लेस एंड सर्च आउट द वेस्ट। सबसे पहले आपको कार्यस्थल में समस्याओं और वेस्ट का पता लगाना है। तो काइजन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गेम्बा करना पड़ेगा, आपको प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा और वहां पे वेस्ट का और प्रॉब्लम्स का पता लगाना पड़ेगा। काइजन बीइंग विद फाइंडिंग आउट प्रॉब्लम्स एंड वेस्ट एट द वर्क प्लेस। तो सबसे पहले आपको वर्क स्थल पे जाना है और वहां पे समस्याओं को और वेस्ट का पता लगाना है, देन आप जाके काइजन कर पाओगे। हर एक बंदा जो भी काम कर रहा है, आप किसी भी वर्क प्लेस में, उसको हमेशा अपने आप से क्वेश्चन करते रहना है कि क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, या इस काम को करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है। जब हम अपने आप से ऐसे क्वेश्चंस करने लगेंगे तो काइजन के नए नए तरीके ऑटोमेटिक आपके वर्क स्थल में, आपके दिमाग में निकल निकल के आने लगेंगे। आप कोई भी काम करोगे तो उसको 10 तरीके आपके सामने निकल के आएंगे, और कब आएंगे, जब आप इस तरह की थिंकिंग रखोगे, इस तरह की सोच रखोगे कि क्या कोई इस काम को करने का इससे भी अच्छा कोई तरीका हो सकता है। बिफोर बिगनिंग द काइजन लोग सोचते हैं, मान लीजिए यदि किसी भी स्थान का जो 5S है बहुत ही ज्यादा खराब है, तो लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का संभव सुधार संभव नहीं है। ए वर्क प्लेस वेयर द 5S इज नॉट मेंटेन, एनी शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। जहां पे मान लीजिए आपका कोई 5S बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो, आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में जाके वहां पे इंप्रूवमेंट कर दूं, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको काइजन करना है। और काइजन आपको कहां से स्टार्ट करना है, बेसिक काइजन बिगिंस विद 5S। तो आपको 5S से काइजन स्टार्ट करना, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जब हम 5S में छोटी छोटी एक्टिविटीज करते रहेंगे, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट, तो वो जाके एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा और हमारा 5S बहुत ही अच्छा मेंटेन हो जाएगा। तो जब हम छोटे छोटे काइजन डेली करेंगे, तब जाके 5S हमारा बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आगे चलते हुए हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड वर्क, वर्क में और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। रियल वर्क मीन्स प्रोड्यूसिंग ए सेलेबल प्रोडक्ट विथ हाई क्वालिटी। जो रियल वर्क होता है उसका मतलब होता है कि हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट यहां पे हमारी जो फोटो से क्या नजर में आ रहा है कि यहां पे केवल मोशन हो रहा है, केवल घूमे जा रहा है, बट यहां पे रियल वर्क हो रहा है, यहां पे वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे पहिया घुमा रहा है, जिससे कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रही है। तो क्या होता है दोस्तों, अनयूजेबल वर्क्स को हम क्या कहते हैं, वेस्ट। जो अभी हमारा अनयूजेबल वर्क है वो वेस्ट है, और केवल कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, और जब कॉस्ट इंक्रीज होगी तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में जाने लग जाएगा। तो इसी तरह के जो अनयूजेबल वर्क्स हैं उसको आपको आइडेंटिफाइड करना है और उनको इंप्रूव करना है। तो दोस्तों, इलिमिनेट ऑल वेस्ट, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट आपको नजर आए वो आपको इलिमिनेट करना है। इफ एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर इज ए ऑलवेज लॉट ऑफ यूजेबल वर्क्स एंड इट मस्ट बी इलिमिनेट।
यदि मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहां पे लॉट ऑफ बहुत ही ज्यादा अनयूजेबल वर्क्स होते हैं जो कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वेस्ट को आइडेंटिफाइड करना है कि वेस्ट है क्या, और कोई ऐसी टेक्निक्स लगाना है जो कि आपका वेस्ट विजुअली आइडेंटिफाइड हो जाए। देन हाउ टू आइडेंटिफाई हिडन वेस्ट, और जो आपके हिडन वेस्ट हैं उनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब चलिए देखते हैं कि वेस्ट है क्या, वेस्ट को आप कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि आप फोटो देख रहे हो, रिड्यूसिंग स्टॉक्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हिडन वेस्ट। जैसे कि आपकी जब इन्वेंट्री लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो आपको वेस्ट दिखेगा नहीं, बट उससे कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक लॉस होता रहता है जो कि हिडन वेस्ट होता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि अभी आपका जो वेस्ट है, जब तक आपका इन्वेंट्री लेवल हाई रहेगा, फुल रहेगा, वो आपको वेस्ट दिखेगा नहीं, बट एक दिन ऐसा आएगा कि वेस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो देन आपको नजर आने लगेगा। बट यदि आप इसको, जो आपका स्टॉक लेवल है, यदि आप इसको रिड्यूस कर लो तो वेस्ट ऑटोमेटिकली आपको नजर आने लग जाएगा, आप उसको रिड्यूस कर पाओगे। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट कितने होते हैं। जनरली इंडस्ट्रीज में थ्री टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहला मुदा, मुरी एंड मुरा। तो बेसिक जो यदि मुदा की हम बात करें तो इसमें आठ तरीके के वेस्ट होते हैं, जिसमें हमारा पहला है ओवर प्रोडक्शन। जब भी कोई कंपनियां ओवर प्रोडक्शन करके रख लेती हैं जिससे हमें प्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम ओवर प्रोडक्शन कहते हैं। वो पार्ट जो होता है ब्लॉक ब्लॉक हो जाता है, और जिससे हमारा जो मनी है वो ब्लॉक होता है, वो भी एक तरीके का वेस्ट कहलाता है। देन है आइडल टाइम। यदि मान लीजिए कोई मशीन आइडल टाइम पे खड़ी है, उसमें कोई भी पार्ट नहीं चल रहा है, जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन हो गई, ट्रांजिट टाइम हो गया, और टी ब्रेक हो गया, या बोटल नेक कुछ हो गया, जिसको हम आइडल टाइम कहते हैं, वो एक वेस्ट है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा वेस्ट है और हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। अननेसेसरी मूवमेंट जितना भी होता है वो वेस्ट है और वो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, और यदि हम उसको रिड्यूस कर पाए उस वेस्ट को, तो उस हमारा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होता है। इन्वेंट्री, जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अननेसेसरी इन्वेंट्री रखते हैं वो एक रेड्यूस है जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करती है, क्योंकि अननेसेसरी इन्वेंट्री रखना हमें कहीं भी किसी भी तरीके से प्रॉफिट नहीं दिला सकती है। देन प्रोड्यूसिंग डिफेक्टिव पार्ट्स, हम जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट है, क्योंकि यदि कोई भी डिफेक्टिव पार्ट हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें रिवर कॉस्ट लगती है, देन रिपेयर कॉस्ट लगती है, और उसका स्क्रैप, यदि हम स्क्रैप करते हैं तो पूरा का पूरा वेस्ट होता है, यदि कस्टमर एंड तक चला जाता है तो उसमें बहुत सारी और कॉस्ट ऐड हो जाती हैं। देन इंस्पेक्शन, यदि हम कोई अननेसेसरी इंस्पेक्शन करते हैं वो हमारा वेस्ट है, और इंस्पेक्शन कॉस्ट में बता दूं कि इंस्पेक्शन कॉस्ट जो होती है कभी भी ऐड नहीं होती, कस्टमर हमें इंस्पेक्शन करने के कोई पैसे नहीं देता है, तो ये भी हमारा एक अन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है जिसको हमें कस्टमर पे नहीं करता है। देन ओवर प्रोसेसिंग। देन फ्रेंड्स आता है मुरा। फ्रेंड्स जो मुरा टाइप डिफेक्ट जो होता है जनरेट होता है, और जनरली जो जनरेट होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। मान लीजिए यदि टीम में दो टीम मेंबर है तो मैं एक बंदे को मैं 70% वर्क दे दूंगा और एक को 30% वर्क दे दूँ, तो यहाँ पे अनइक्वल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का, जिसकी वजह से मुरा टाइप ऑफ जो वेस्ट होता है वो क्रिएट होता है। देन इनकंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यदि क्वालिटी ऑफ कम जो कंपोनेंट की क्वालिटी है वो कंसिस्टेंट नहीं है तो मुरा टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो जनरेट होता है, मुरा टाइप ऑफ वेस्ट जो है जनरेट होता है। देन फ्रेंड्स इनकंसिस्टेंटली क्वांटिटी ड्यू टू इनएडिक्यूट फूल प्रूफिंग, जो प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी है वो इनकंसिस्टेंटली आ रही है क्योंकि हमारी प्रोसेस में इनएडिक्यूट ऑफ फूल प्रूफिंग पोका योका नहीं लगा हुआ है, जो कि हमारा मुरा टाइप ऑफ वेस्ट होता है। देन फ्रेंड्स मुरी टाइप ऑफ वेस्ट, जो कि होते हैं अनकंफर्टेबल पोस्चर की वजह से क्रिएट होता है, जैसे असुविधाजनक मुद्रा। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है और उसको मैं बोलूँ कि झुक झुक के सारे पार्ट्स को ऊपर से नीचे रख, जो कि उसका अनकंफर्टेबल है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो ये वेस्ट, जो इसकी वजह से वेस्ट हमारे क्रिएट होते हैं वो है मुरी टाइप ऑफ वेस्ट में आते हैं। जैसे कि एक गाड़ी है और
यहां से कुछ लोड लेके जा रही है जिसमें ये कंफर्टेबल नहीं है लोड को लेके जाने में। अब इसमें चांसेस हो सकते हैं कि ये ऊपर से गिर जाए, टूट जाए, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से जो वेस्टेज क्रिएट होते हैं वो हम मूरी टाइप ऑफ वेस्टेज होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जोरदार शारीरिक काम पर निर्भरता। आपके यहाँ पे कोई ऐसे टूल्स नहीं है जिसकी वजह से आप काम कर सको, इजिली कंफर्ट में काम कर सको। आपके ऊपर बहुत ज्यादा वर्डन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो दो बाल्टियां इधर टांगे और पर्सन जो है मूव कर रहा है और बाल्टियां लेके जा रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसा भी काम नहीं करना चाहिए कि इंप्लॉय के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए, उसको शारीरिक दम पे ही सारा काम करना पड़े। उसको ऐसे टूल प्रोवाइड करवाने चाहिए जिससे वो काम करवाए, क्योंकि ये भी एक वेस्ट होता है। और जो भी पर्सन काम करेगा वो अपने 100% इफिशियंसी से काम नहीं करेगा और कोई ना कोई जो प्रॉब्लम डिफेक्ट जरूर क्रिएट करेगा, जिससे मुरी टाइप ऑफ वेस्ट जो है वो जनरेट होगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम होगी या नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, वेस्ट के बारे में तो आपने जान लिया कितने कितने टाइप के वेस्ट होते हैं और इनको कैसे काइजन के थ्रू, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स के थ्रू कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और इनको रिड्यूस करके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी दिलाई जा सकती है, या कैसे इंप्रूव कर सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अब जानते हैं कुछ हम काइजन के एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं स्पेस सेविंग का एक एग्जांपल देखते हैं। बिफोर काइजन आप यहां पे देख रहे हैं कि इस पूरे स्पेस में कितना फैला हो गया पड़ा है और यहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बट हम इसमें यदि काइजन कर देते हैं, इन सारी चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं 5S, तो देखिए कितना बेहतरीन हो जाएगा और हमारी स्पेस सेविंग कितनी अच्छी हो जाएगी। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट जो होते हैं इन्हीं को हम काइजन कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोलिक मोटर है वो नीचे रखी हुई है, जिससे पर्सन जब आता है तो इसको बार बार यहां पे पैर में इंजरी हो जाती है। अब इस पे यदि ये काइजन करेगा तो क्या करेगा? इसमें काइजन करके इसने क्या किया कि इस मोटर को इसके प्लेस के ऊपर प्लेस कर दिया टैंक के। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस सेविंग हो गई, आने जाने में बहुत ही कंफर्टेबल हो गया, जिससे अब कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को ही कहते हैं काइजन। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे फैन रखा हुआ है और पर्सन को कोई भी चीजें लेके जाता है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है लेके आने और जाने में, बट फैन तो नेसेसरी है, फैन तो चाहिए चाहिए। अब इसने काइजन कर दिया, काइजन के बाद इसने क्या किया, जो फैन था उसको वॉल में माउंट कर दिया और वहां से अब एयर आती है और यहां पे उसको आने जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से आ सकता है जा सकता है। यहां पे आप देख रहे हैं कि बिन को हाथ से उठा के और यहां ऊपर उसको रखना पड़ रहा है, बट उसने अब काइजन किया और काइजन करने के बाद में आप देख पाएंगे कि उसने एक ट्रॉली बनवा दी। अब ट्रॉली में रख के बिन का मूवमेंट करता है, जो कि उसके लिए बहुत ईजी है। ये बेस्ट वे है बिन मूवमेंट करने का, उसका जो काम करने का तरीका है बहुत ही ज्यादा सिंपलीफाई हो गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं भी फोर काइजन कि बिन मूवमेंट करने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उसको फोर क्लिप से बिन ला के ऊपर रखना पड़ता है और उसको मूवमेंट करना पड़ता है। बट अब काइजन के बाद में काइजन कर दिया और बिन में क्या किया, उसने व्हील इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मूवमेंट इतना इजी हो गया कि अब उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए फोरक्लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना पड़ता और जब चाहे जहां चाहे ट्रॉली को लेके जा सकता है। तो आइडिया तो बहुत छोटा था लेकिन इंप्रूवमेंट इतना बड़ा था कि उससे उसकी टाइम सेविंग हो गई, उसका मनी सेविंग हो गया, स्पेस सेविंग हो गया और उसका जो फिजिकल एफर्ट्स जो लग रहा था उसकी सेविंग हो गई, वो रिड्यूस हो गया। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं काइजन से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में। ये पूरी काइजन की एक्टिविटी करने के बाद में आखिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला बेनिफिट है, यदि आप काइजन एक्टिविटी करते हो, काइजन एक्टिविटी यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करते हो तो आप सारे वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या क्या वेस्ट हो सकते हैं और उनको रिड्यूस करते हो और एलिमिनेट करते हो। और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का 5S है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होता है यदि आप काइजन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फ्रेंड्स कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा इनहेंस होता है जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता है और वहां की एक्टिविटीज देखता है। या आपने काइजन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो तो उसका जो कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस होता है और इंक्रीज होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑर्डर्स हैं वो बढ़ाता है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स बढ़ते हैं
तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो बढ़ता है, जिससे ग्रोथ रेट है वो इंप्रूव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है इंप्लॉयियों में वो बढ़ती है, क्योंकि जब आप काइजन करोगे तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और आप फेस करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यदि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या एक्शन लेना है, और यदि इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या एक्शन लेना है, जिससे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो इनहेंस होती है। और इतनी सारी चीजें करने के बाद में जब आप कंटिन्यू करते रहते हो तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी चलता रहता है, और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि जो काइजन है वो कोई एक दिन की एक्टिविटी नहीं है, कोई एक डे की एक्टिविटी नहीं है, और कोई एक साल या एक महीने की एक्टिविटी नहीं है। काइजन है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, उसी को हम काइजन कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए, और जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन एक नई बुलंदियों को छू। तो फ्रेंड्स, यदि आज का हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का अपने कैरियर में यूज कर सके। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।